I am in Paris. Only weird part about this room is the room is weird. I like chutku sa room hai, shuru hote hi khatam hai. Hi. 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 Jaham. Show. Hi. आपको थंबनेल से या फिर टाइटल से आइडिया लग जाएगा, बट बता देती हूँ, आई एम इन पेरिस. यस, सिटी ऑफ लव. इट वॉज डेफिनेटली ऑन माई बकेट लिस्ट एंड फाइनली इट्स हैपनिंग. फटाफट से रूम टूर दे देती हूँ. वैसे इतना बड़ा रूम है नहीं, बट दिखा देती हूँ क्या है. एंड अगर आपने मेरा पहला एपिसोड देखा होगा ना, जहाँ पे मैं बेल्जियम में रुकी थी, उस घर को देख के और इस रूम को देख के ऐसा लग रहा है कि वो इतने सारे बेड्स वाला रूम ही अच्छा था, बट दिस इज लाइक सो टाइनी. लेट मी शो यू. सो यहाँ से एंट्रेंस है, छोटू सा वॉशरूम, लाइक शुरू होते ही खत्म है. एज यू कैन सी, एकदम शुरू होते ही खत्म है. वैसे रूम भी ऐसा ही है. मैंने लास्ट वीडियो में प्राइमार्क का हॉल किया था, अगर अब तक आपने नहीं देखा है देन प्लीज देखो जाके. ये बटन पे आपको वीडियो दिख जाएगी और बाकी यूरोप सीरीज के एपिसोड भी दिख जाएंगे. सो देख लो, वो जाके आई बटन पे है एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. सो दिस इज अ टीनी टाइनी बेड एंड मेरा सामान पड़ा है. बाय द वे, द ओनली वियर्ड पार्ट अबाउट दिस रूम, वैसे तो रूम ही वियर्ड था, लाइक छुटकू सा रूम है, शुरू होते ही ख़त्म है, बट पेरिस में ना रूम्स मिलना भी बहुत मुश्किल है. सो आई एम लकी कि ये रूम भी मिल गया है. यार यहाँ पे वियर्ड थिंग ये है कि विंडो ही नहीं है यहाँ पे. सीरियसली नो वेंटिलेशन एट ऑल. अब आपको दिखा देती हूँ छोटी सी टाइनी सी कबर्ड मेरी. सो दिस इज़ अ कबर्ड एंड यू हैव टू ओपन इट लाइक दिस. You can hang something and that's it. और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट मिल जाएगा, TV मिल जाएगा एंड या दैट्स इट. ऊपर से वाईफाई की स्पीड भी इतनी ख़त्म आ रही है ना, उससे अच्छा तो मेरा नेट पैक चल रहा है. बट एनीवेज, अब थोड़ा सा क्लीन करके रेस्ट करके आई एम गोना गेट रेडी एंड फाइनली मूवीज से हटके, पिक्चर से हटके, आई एम गोना सी एंड फील आईफिल टावर इन रियल. सो Stay excited and stay tuned. अगर अब तक आपने subscribe नहीं किया then please subscribe and hit the bell icon to get notified whenever I post a new video. अब मिलेंगे जब मैं ready हो जाऊँगी, ठीक है. So हो चुकी हूँ मैं ready and आज by the way new year है. ये video कब आएगी मुझे नहीं idea, but आज new year है. It's almost 9 o'clock and मेरा और भैया का reservation है dinner का, so we are going there. Let me show you what I am wearing today. I am absolutely in love with the outfit I am wearing today and the way I have styled, so I am proud of it. Sorry for the bad lighting, but this is what I am wearing. This is how I have styled this doll and yeah. अब फटाफट से चलते हैं बिकॉज वी आर रनिंग लेट. सो या सी यू देयर. हेलो यू गाइस, सो आई एम बैक एंड कल रात जो रिजर्वेशन लिया था ना, कुछ नहीं हुआ उसका, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे जाम में रहे एंड रिजर्वेशन तब तक कैंसिल हो चुका था. एवरी स्ट्रीट वॉज क्राउडेड, लाइक आपने अभी पिछली क्लिप्स में देख ही लिया होगा कितना क्राउडेड था. एंड फायरवर्क्स वगैरह कुछ इतना ज़्यादा हुआ नहीं ड्यू टू कोविड रीजंस. वी आर गोइंग आउटसाइड, कुछ प्लान नहीं है, लेट्स सी क्या होता है. आईफिल टावर देखने को मिलता भी है कि नहीं, आई डोंट नो. आई वॉज सुपर एक्साइटेड बट पता नहीं क्या होने वाला है आगे. सो या स्टे ट्यून्ड. टेकिंग माई डिज्नी बैग विद मी टुडे. मुझे लग रहा था कि इतना ठंडा होगा लोगों के व्लॉग्स देख के, बट एक स्वेटर में काम चल रहा है. एवरीथिंग इज क्लोज एयर, देखते हैं कुछ खाने को मिलता भी है कि नहीं. स्ट्रीट्स एकदम खाली है, लाइक बहुत ही मुश्किल से एक दो जगह देखने को मिलेंगे, अदरवाइज इट इज क्लोज्ड.
Paris, Emily. They told me that I always had to be good, but being good always be problems, it's true. So I learn it, and now I know I don't wanna play, play, play God. Maybe I'm crazy, but I'm around, baby, it's true. वापस आ चुकी होटल रूम में और आपने देख ही लिया कितना प्यारा व्यू था। सो यार फर्स्ट डे ऑफ 2022 वेंट एब्सोल्युटली परफेक्ट। द व्यू वाज सो ब्यूटीफुल। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है बट इन रियलिटी इट वाज सो ब्यूटीफुल। सो यार वन प्लेस इज ऑफ माय बकेट लिस्ट नाउ। होपफुली दो तीन और है मेरी बकेट लिस्ट में जो मैं यूरोप ट्रिप में कवर कर सकती हूँ, बट यार लेट्स सी इफ दिस इज गोइंग टू हैपन। आई एम सो हैप्पी फॉर टुडे। बट हाँ, आज जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, लाइक पहले बस नहीं मिल रही थी, देन मेट्रो ट्रेन वट एवर इट इज बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी, फिर जाके मिली है। सो यार ट्रैवल का थोड़ा सा इशू था, अपनी कार इसलिए नहीं लेके जा सकते वरना जाम में ही फंसे रह जाते, तो कोई पॉइंट ही नहीं था फालतू थकने का। एंड इफ़ यू आर कमिंग टू यूरोप और इवन पेरिस, आपको वॉक तो बहुत ही करनी पड़ेगी, हद से ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी। द डे वेंट परफेक्ट। कल बहुत ही एक्साइटिंग दिन है, एक और चीज़ मेरी बकेट लिस्ट में थी जो पूरी होने जा रही है। सो या आई एम एक्साइटेड। आई होप कि जैसे आज का दिन इतना परफेक्ट गया है ना, वैसे कल का दिन भी जाए। वैसे आज का दिन इतना परफेक्ट भी नहीं था, बट बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस आई गॉट टुडे इट वॉज परफेक्ट। बाय द वे पेरिस आई हूँ और मैं एमिली इन पेरिस की काफ़ी अच्छी फैन हूँ, लाइक मैं काफ़ी बार देख चुकी हूँ। आपने मेरे पहले एपिसोड में देख लिया होगा, मैं सीजन 1 को भी देखती हुई आ रही हूँ। सीजन 2 भी मैंने फर्स्ट देख लिया था जैसे ही आया था, तो कुछ तो ऐसा लेना था जो मैं रिप्रेजेंट करूँ पेरिस को और एमिली को, विच इज़ फ्रॉम एमिली इन पेरिस। तो मैंने दो तीन चीज़ें ली हैं, एक्चुअली तीन चार चीज़ें ली हैं। तो पहले तो यही है, आई गॉट 3 बेनेट कैप्स। दिस इज़ व्हाट इज ए बेनेट आई गेस, मैंने शायद सही बोला है। सो दिस इज़ द फर्स्ट कलर, देन आई हैव 2 मोर कलर। सो ये है थोड़ा पिंकिश गाजरी कलर में, दिस इज द सेकेंड कलर एंड दिस इज पर्पल। देन आई ऑल्सो गॉट अ बीनी कैप जिसमें ये 2 पॉम पॉम है। इसके अलावा आई गॉट दीज 3 स्टॉल्स और इनका जो फैब्रिक है वो है सेटन का। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टाइल देम। उसके अलावा ना एक बहुत ही अजीब सी चीज मेरे को मिली है, लेट मी शो यू। दीज आर द प्रिजर्व फ्लावर्स, इफ यू कैन सी दीज आर द प्रिजर्व फ्लावर्स एंड यू आर सपोज टू ईट देम। लाइक इसमें गेंदे का फूल है, बहुत सारे फूल है जो देहरादून में मिल जाते हैं, इंडिया में मिल जाते हैं। आई डोंट नो हाउ बट यू आर सपोज टू ईट देम। शैल आई ट्राई, लेट मी, व्हाई विल समवन ईट फ्लावर, दिस इज डिस्गस्टिंग, यू आर नॉट सपोज टू ईट। अगर पेरिस आओ तो इसे मत लेना क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू ईट। आई डोंट नो व्हाई इट इज रिटन कि यू आर सपोज टू ईट, बट नो, डोंट ट्राई। एज अ वे अगर पेरिस आओ और आईफिल टावर के आसपास जाओ ना, तो अपने फ़ोन का, कैमराज का, वॉलेट का, वॉचेस का, मतलब जो भी कीमती चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना, क्योंकि कहीं से भी आराम से जेब कट सकती है, हाथ से वॉच निकल सकती है, गले से चेन निकल सकती है। सो मेक श्योर कि आप सब चीज़ें ना ध्यान से रख के आओ। एंड या विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस व्लॉग। नेक्स्ट जो मेरी बकेट लिस्ट में पूरी होने वाली है होपफुली, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा। सो या स्टे ट्यून एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड ऑल द लव्ड वंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।